क्या कोई हाथी या फिर वैसा ही बड़ा जानवर किसी ऐसी गुफा में दाखिल हो सकता है जिसमें इंसान भी बड़ी मशक्कत के बाद दाखिल हो पाए, वो भी ऐसी गुफा जो साल में सिर्फ एक बार खुलती हो। दोस्तों, हमारी आज की कहानी महादेव के एक ऐसे अलौकिक धाम से जुड़ी हुई है जहां साल भर बंद रही गुफा जब खोली जाती है तो उसके भीतर ऐसे जानवरों के निशान मिलते हैं जिनका उस गुफा में जाना लगभग असंभव होता है। क्या है इस अलौकिक महादेव धाम की सच्चाई, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के फरस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर बड़े डोंगर के रास्ते पर अलौर गांव स्थित है और इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसे लिंगई चट्टान और लिंगई माता के नाम से जाना जाता है। सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो माता लिंगेश्वरी का मंदिर है, पर हमने आपसे कहा है कि ये महादेव का धाम है, तो इस धाम की कई विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ महादेव स्त्री रूप में पूजे जाते हैं। दरअसल इस गुफा नुमा मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है जिसकी स्त्री लिंग में पूजा की जाती है। यही कारण है कि इस मंदिर को लिंगेश्वरी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना नहीं होती, बल्कि इस मंदिर को साल में केवल एक बार खोला जाता है। इसी दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है। बता दें कि अलौर की छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक विस्तृत फैली हुई चट्टान है। चट्टान के ऊपर एक विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह सामान्य दिखने वाला ये पत्थर अंदर से स्तूप के जैसा है। इस पत्थर की संरचना को अंदर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी विशाल पत्थर को कटोर नुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उलट दिया गया है। बस्तर के शिवलिंग का गुफा का द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी ही बैठ सकते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस विशेष परंपरा और लोक मान्यता के कारण भाद्रपद माह में एक ही दिन शिवलिंग की पूजा होती है। इसे शिव और शक्ति का समन्वित नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के बाद मंदिर की सतह पर रेत बिछाकर उसे बंद कर दिया जाता है और अगले साल जब इस गुफा को खोला जाता है तो इसी रेत पर किसी जानवर के पैरों के निशान मिलते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ लोग पहले रेत पर अंकित निशान देखकर लोगों को इसकी जानकारी देते हैं। माना जाता है कि जानवरों के पंजों के निशान माता लिंगेश्वरी द्वारा कई भविष्यवाणियों का संकेत होते हैं। रेत पर अगर कमल का निशान है तो धन संपदा में बढ़ोतरी, हाथी के पांव के निशान है तो उन्नति, घोड़े के खुर के निशान हो तो युद्ध, बाघ के पैर के निशान हो तो आतंक, बिल्ली के पैर के निशान हो तो भय तथा मुर्गियों के पैर के निशान होने पर अकाल होने के संकेत माने जाते हैं। कहते हैं कि पहले चट्टान की ऊंचाई बहुत कम थी लेकिन धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई, इसलिए इसे बस्तर की गुप्त लिंग गुफा भी कहा जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के पश्चात आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है और दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना और दर्शन के बाद पत्थर टिकाकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यहाँ भक्तों में खासकर निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ हजारों दंपतियों को संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हुई है। खास बात यह है कि यहाँ मनोकामना मांगने का तरीका निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली दंपति को यहाँ खीरा चढ़ाना आवश्यक है। चढ़ा हुआ खीरे को नाखून से फाड़कर खाना पड़ता है। सिर्फ शिवलिंग के सामने ही कड़वा भाग सहित खाकर ही श्रद्धालु गुफा से बाहर निकलते हैं। मन्नत पूरी होने पर अगले वर्ष श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस अद्भुत धाम के बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।